हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आज आम डिस्कस करिबा टॉप 100 क्वेश्चंस जोटा आपणकर एग्जाम रे 50 रु अधिक थर रिपीट हो सारी। आउ ये क्वेश्चन रही आपणकर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रु। ओके, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रु आम जेतिकी भी क्वेश्चन याद रे इंक्लूड करिचे से सबु जाक इंपोर्टेंट आउ बहुत थर एग्जाम रे पचरा जाइछि। कंप्लीटली आपण जदि ये 100 क्वेश्चन को भलसे देखि दियंती ताले गोटे आपणकर स्ट्रेंथ आसी जीव हिस्ट्री उपरे गोटा कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रही। ओके, स्टार्ट करिबा आज क्लास। या पूर्व मुझे रखुच्छी आम चैनल रे बहुत सारा क्लासेस OSSE PEO एग्जाम जदि आपण मैंने देखुना ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे आपण मैंने विजिट कर देखिपरेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे जहाँ जहाँ क्लास हो टॉपिक वाइज आम प्लेलिस्ट रेडी कर दौचु। ओके, ताकि आपण मैंने विजिट कर देखिपरेंगे। आउ जो मैंने आज ही क्लास आसी प्रथम थर पर आम चैनल देखुंट से मैंने फर्दर क्लासेस करने आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आउ रहा कौन जहाँ भी आपणकर सिलेबस अच्छे से सब आम टॉपिक वाइज सारे आपणकर एग्जाम पूर्व सब जाक सारिक मॉडल पेपर्स जहाँ अच्छे सब जाक करवा। ओके, स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन रु। महम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आट अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय होम। अलीगढ़ में जो महम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अच्छी तार फाउंडर किए ताले तार फाउंडर होती सर सैयद अहमद खान। मन रखिए सर सैयद अहमद खान महम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करते अलीगढ़ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हाज बिन रिटेन बाय हुम। यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम आसी। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग रो लेखक होती बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शॉट जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 December 1927। एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मन रखत जो जॉन सॉन्डर रहिले ठीक है तांकु सूट करथिले भगत सिंह आउ शिवाराम राजगुरु। मन रखिबा आउ जनक ना शिवाराम राजगुरु 17 December 1927 रे। हु वाज द लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928। देखो 1928 मसीह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होता तार लीडर थे चंद्रशेखर आजाद। ओके, चंद्रशेखर आजाद जेहेतु आम 100 क्वेश्चन करुचे तेणु एटी ऑप्शन आने बहुत लेंदी आ बहुत समय जाता तेणु डायरेक्टली करवा। प्रिंसली स्टेट नाहान इज पार्ट ऑफ फिश स्टेट नाउ। ताले जो नाहान रही है गड़जात राज्य नाहान एटा ये रही हिमाचल प्रदेश। आपण जानते आपणर जो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल से सब गड़जात राज्य मानक एकत्रकरण करते से बिस्मार्क सहित तुलना कराए ठीक है। आउ से प्रथम थी प्रिंसली स्टेट एवं अच्छी से हिमाचल प्रदेश गोटे अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द असोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक अप फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। देखो किए महात्मा गांधी सहित ब्रोक अप करके निजे ही गोटे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलते। ओके, से होती रामस्वामी नय्यर। मन रखिए बहुत जन थे चरमपंथी किसी जन थे नरमपंथी। ओके, सुभाष बोस ता सहित आम जी कह रामस्वामी नय्यर एम कौन करते निजर ही अलग आकार निजर मुमेंट चलते कहीं मत महात्मा गांधी मत सहित मिशुन ठीक है तेल रामस्वामी नय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबिडियंस फ्रॉम होम। तेल सिविल डिसओबिडियंस महात्मा गांधी इंस्पिरेशन क्या ठार् तेल से पाई डेविड थोरियो ठारू। ओके, डेविड थोरियो इज करेक्ट ऑप्शन डेविड थोरियो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर्स कमिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली यूनियन पावर कमिटी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हिप ऑफ रबिश। कचड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए अर्थात ओडिया गदारे फोपाड़ देवा कथा साइमन कमिशन रिपोर्ट को एक कथा किए गई शिवस्वामी अय्यर। मन रखिए शिवस्वामी अय्यर कही साइमन कमिशन रिपोर्ट को ओडिया गदारे फोपाड़ देवा कथा। नेक्स्ट, हु इज नोन आज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। एबे ही मु कहली जेहेतु गड़जात राज्यर मिश्रण करते सरदार वल्लभ भाई पटेल आउ जर्मानी एकत्रीकरण करते ऑटोवन बिस्मार्क तेणु बिस्मार्क सहित तुलना कराए सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके मन रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, आउ इतरे जति भी क्वेश्चन अच्छे सब जाक एग्जाम रे बहुत थर रिपीट होती, तेणु एंड जाए निश्चित भाव में देखिए। आउ जदि क्लासेस आपको भल लगुच जो मैंने भी ओ ट्रिपल सी पीओ देवे से आपने सेयार करेंगे। ओके नेक्स्ट, इन ह्विच इयर 26 January वाज सेलिब्रेटेड आज इंडिपेंडेंस डे। मन रखिए, देखो तो आमे जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करुचे नॉर्मली आमर देश इंडिपेंडेंस के लाभ कर 15 August नहीं कौन आउ ये 1947 बट जदि आम कह 1930 कथा से दिन है कहा जाइए कि 26 January को आम कौन करवा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करवा थिला। ठीक है, वाई हंटर कमिशन अपॉइंटेड बाय वाइस रॉय प्रॉप। देखो तो हंटर कमिशन कहीं गठित कराने जाथे जो पंजाब रही पंजाब अमृतसर से जालियाना वाला बाग ठारे हत्याकांड होता ना नहीं 1919 April 13 से जालियाना वाला बाग रे जो हत्याकांड होता तार सरकारी तदंत है हंटर कमिटी गठन कर तेणु जालियावाला बाग ट्राजेडी हम सटिक आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। देखो गोटे नरमपंथी अच्छी गोटे चरमपंथी अच्छी। ओके तले एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंटर जनक कहुए बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, या जो दिन देहांत होता से दिन ही आम असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता भारत में। ठीक है, आउ बाल गंगाधर तिलक कही स्वराज हूँ मोर जन्मगत अधिकार आपको प्राप्त कर रही प्राप्त करी। ओके एक कही बाल गंगाधर तिलक स्वराज पांठी मध्य होता या ना असहयोग आंदोलन समय। ओके नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ बरदोड़ी सत्याग्रह। देखो बरदोड़ी सत्याग्रह लीडर किए थे ताले आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। देखो भारत में जो पुनर्जागरण आसला से समय रे भारतीय पुनर्जागरण पिता व जनक कहुए राजा राममोहन रॉय को से विलियम बेंटिक सहित मिसी बहुत सारा समाजपाई भल कार्य कर। ओके राजा राममोहन रॉय आउ भारतीय पुनर्जागरण या जनक कहुए। ह्विच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड महात्मा गांधी आज फादर ऑफ नेशन द फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पर महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कही सुभाष चंद्र बोस। ओके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेम द ब्रिटिश जनरल हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियावाला बाग मासाक। ओके देखो जो जलियावाला मासका आईला से बेले सेटा जनरल डायर जो कि अमृतसर सामरिक मुख्य जो हिंसा। हु गेव स्लोगान बैक टू वेदास। ओके वेद को फेरी जाओ बैक टू वेद ये देते दयानंद सरस्वती। बिस्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर व्हिच पर्पस। कटिंग ऑफ ट्रीज। ओके कटिंग ऑफ ट्रीज को लेकिन बिस्नोई मूवमेंट कर। इन व्हिच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टाब्लिश्ड। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश होता राणी एलिजाबेथ को कहवा अनुसार एटी कहुआई जहांगीर दरबार को आसिकी अनुमति मागिथिले। ओके हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके आईएनसी रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम जनरल होती एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हु स्पोक आट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। देखु आपणकर August 14 राति एक आपणकर जवाहरलाल नेहरू कही मन रखिए जिते बड़े August 14 कही आर द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट मध्यरात्रि जिते बड़े पृथ्वी सोई से समय इंडिया कौन जागृत होर लाइफ आउ फ्रीडम को लेकिन। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। देखो ब्रिटिश मैंने तो आसी इनडायरेक्ट आम को अत्याचार करते लुटुते कि डायरेक्टली आम जब कह 1757 जितेबाद पलासी युद्ध होगा सिराजुद्दौला आउ लॉर्ड क्लाइव मध्य इंग्लिश पीपल मैंने जो रही से मैंने डायरेक्टली आम को रूल कले। ठीक है, नेक्स्ट गांधीजी सत्याग्रह मीन्ट आन अटैचमेंट टू द डैश। सत्याग्रह सत्य मीन ट्रुथ एंड नन वायलेंस। सत्य और अहिंसा प्रति आग्रह होची सत्याग्रह से गांधीजी कौन करते ना 1917 कौन करते ना साबरमती आश्रम करते आम गुजरात अहमदाबाद रे सेठी से समस्त को कौन सत्याग्रह कथा कहते सत्य प्रति आग्रह आम शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करवा। ठीक है,
The decision effect of partition of Bengal was announced in 1905 by whom? देखो बढ़िया बहुत थर एटा एग्जाम आसी बंग विभाजन केबे हेतिला या फिर बंग विभाजन किए करथिले तले बंग विभाजन करथिले लॉर्ड कर्जन आउ से करथिले 1905 मसीह रे. नेक्स्ट इन व्हिच ईयर सल्ट सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड लवण सत्याग्रह हेतिला आपनकर 1930 मसीह रे. सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज लीडर ऑफ डैश बरदोड़ी सत्याग्रह जितेबले बरदोड़ी सत्याग्रह करा जाई थिला से समय रे लीडर थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल. डायर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डायर्की कहले दैत्य शासन व्वेन गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जितेबले दुईटा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हाथ में गवर्नमेंट थाए ताकू आमे डायर्की बा दैत्य शासन कही था. ठीक है तले सेटा इंट्रोड्यूस होता भारत शासन आईन 1919 अनुसार मन रखिए. हु गिव द टाइटल टू महात्मा गांधी महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी ये एपोस्ट्रोफी हवा कथा तले मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा आख्या किए देते रवींद्रनाथ टैगोर. ओके पंजाब वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच गवर्नमेंट व्हिच गवर्नर जनरल देखु क्यों गवर्नर जनरल राजूती काल में पंजाब ब्रिटिश मान कबल थिला से होती लॉर्ड डेलाउजी. ओके लॉर्ड डेलाउजी समय पंजाब ब्रिटिश मान कबल थिला. द इंग्लिश एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन व्हिच प्लेस. ओके आट व्हिच प्लेस मैंने कौ जगार इंग्रेज मैंने प्रथम फैक्ट्री बसईले सुराट जोटी गुजरात रही. ओके 100 क्वेश्चन डिस्कस करवा तेणु मुझे स्पीड्रे अच्छी एंड पर्यंत निश्चित भाव देखिए. तले इंग्रेज मैंने प्रथम फैक्ट्री तर गुजरात लगे थे. नेक्स्ट नेम द नेशनल लीडर हु रोट हिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल. देखु से क्यों लीडर जी कि इंडियन हिस्ट्री को अंडमान सेलुलर जेल रो वाल ले लिखी दिले बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम रे मध्य आसी छी. तले अंडमान सेलुलर जेल रो कांथरे लिखितिबा व्यक्ति होचंती वीर सावरकर. ओके वीर सावरकर भारत रो इतिहास को अंडमान सेलुलर जेल रो कांथरे लिखी दिले. नेक्स्ट व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती ओरिजिनल नाम होची मूल शंकर. सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विथ तंकु कहा सह तुलना करा जाए ताले ऑटोबन बिस्मार्क सहित कहीं कहा जाए सेटा मु कहि सरिछि. हु इज जनरली नोन आज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया. बहुत थर एटा एग्जाम रे क्वेश्चन पचरा जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो रही भारत रे किए आनीथिले लॉर्ड रिपन इज करेक्ट आंसर. नेम द वाइसरॉय हु प्रोहिबिटेड सती प्रथा. ठीक है क्यों वाइस राय सतीग्रह विरोध करते उच्छेद करते. वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड विलियम बेंटिक. व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सल्ट सत्याग्रह. महात्मा गांधी जो लवण सत्याग्रह रही तार मुख्य उद्देश्य कौन थी. पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया भारत पर पूर्ण स्वराज आनीदा से मुख्य उद्देश्य यहाँ थी आईन अमान्य आंदोलन आम जब आईन अमान्य आंदोलन करवा तेल इंग्रेज मैंने भारत छाड़ी पलिजे से यहाँ करते. नेक्स्ट पेसेंस रखु 100 क्वेश्चन करवा. हु वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत. ओके अभिनव भारत नामक सोसाइटी रो फाउंडर किए थे विनायक दामोदर सावरकर मन रखिए. सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय हुम. वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सत्यशोधक समाज किए गठन करते ज्योतिराव फुले मन रखिए. सत्यशोधक समाज आपणकर 24 सेप्टेम्बर 1873 मसीह रे हेतिला 24 सेप्टेम्बर 1873 रे पुणे महाराष्ट्र रो पुणे रे हेतिला. ट्रू सीकर सोसाइटी हला मन रखिए. ज्योतिराव फुले बहुत फेमस व्यक्ति. नेक्स्ट हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है स्वराज होची मोर जन्मसिद्ध अधिकार आउ मैं या प्राप्त करी रही एकता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक.
द रेड शर्ट मुवमेंट वाज लेड बाय लाल कुर्ता आंदोलन जो रही करते सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान मन रखे या फ्रंटियर गांधी कह जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 इज ऑल्सो नोन आज भारत शासन आईन 1999 को कौन कह जाए ताले मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कह जाए जानिथिबे आपण माने। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूजपेपर इन इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत एथिरे जति भी क्वेश्चन या जाइछे ना 15 प्लस आपणकर 50 रु अधिक थर एटा एग्जाम रे रिपीट होइछि जहाँ भी टिक्की निकी करी सबु जाक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ओके भलसे देखंतु मने रखंतु बढ़िया से। ताले प्रथम इंग्लिश न्यूज पेपर ना होची हिकीज बेंगल गजेट मन रखिबे हिकीज बेंगल गजेट आउ याकु करथिले जे ए हिके ओके या अर्थ होची जेम्स ऑगस्टस हिके करथिले याकु ये थिले आयरलैंड रो ओके ताले यांकु कह जाए आयरिश मैन जेम्स ऑगस्टस हिके। हु गिव द फेमस स्लोगान डू और डाई करो या मरो कर बा मरर डाकरा किए देथिले महात्मा गांधी। हु डिजाइंड द नेशनल फ्लाग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तले जो नेशनल फ्लाग अच्छी ताकु डिजाइन किए करथिले पिंगली वेंकैया। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन इन सेकेंड राउंड टेबल कन्फरेन्स द्वितीय गोईटेबुल बैठक में भारतर महिला आकार किए रिप्रेजेंटेटिव होते तले सेठी जाइथिले सरोजिनी नायडू जाइथिले महात्मा गांधी सहित। हु इज रिफर्ड टू वाच फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी क्या कह जाए खान अब्दुल गफार खान। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वहाबी मूवमेंट वहाबी मूवमेंटर मुख्य उद्देश्य कौन थी प्यूरीफाए इस्लाम शुद्ध इस्लाम। नेक्स्ट हु वाज द ओनली वाइस रॉय टू बी असोसिएटेड इन इंडिया जीए कि कार्यकाल मारि दि जाइए हत्या कर दि जाइए एमती गोटे ही वाइस राय अच्छा से होती लॉर्ड मेयो मन रखिए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं लॉर्ड वाइस राय को हत्या माने से जिते बड़े वाइस राय थे ना से ही समय करा जाए लॉर्ड मेयो। नेम द फर्स्ट हिंदी न्यूज पेपर ऑफ इंडिया आम जानले इंग्लिश न्यूज पेपर है हिकीज बेंगल गजेट जोटा कि कलिकतारु प्रकाशित होता सेमती सेकेंड कलिकतारु होटा हूँ उदंत मर्तंत मन रखिए उदंत मर्तंत या अर्थ कौन द राइजिंग सन आउ एडा ही थिला आपण करो 30 मे रे 30 मे 1826 रे ठीक है ला। नेक्स्ट व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली को केबे भारतर राजधानी घोषणा करा जाइथिला 1911 मसीहा मन रखिबे। फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण फॉर अपोजिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्याज देखंतु गांधीजी जिते भी सत्याग्रह स्टार्ट करते आपण साउथ आफ्रिकार दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान रो केस लड़ापी से साउथ आफ्रिका गले से बहुत सारा अत्याचार होता है से दूर करने से बहुत सारा पदक्षेप ने ठीक है न्यूज पेपर पब्लीश कले सहित से आसिले 1915 मसीह से आसला भारत आमर कौन अहमदाबाद नदी कूड़े साबरमती आश्रम जो साबरमती नदी कूड़े आश्रम करते 1917 मसीह ही बिहार चंपारण जिले में चाषी मान जमीर तीन भागर मानने 20 भागर तीन भाग नील उत्पादन करने कह जा ठीक है किंतु से नील को इंग्रज मान निर्धारित दर में बिक्री करा पड़ता तीन काठिया व्यवस्था कह जाए ठीक है तेल से समय क्वेश्चन आमको पचारि कि कौ कल्टिवेशन जोर देवाक कहते से नील इंडिगो मन रखिए। हु वाज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट चिपको आंदोलन से जो समस्ते मिसिकी सुंदरलाल बहुगुणा हो सटिक आंसर वृक्षर सुरक्षापाई इन ह्विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांडेड द पूर्ण स्वराज कांग्रेस कौ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज डिमांड होता लाहोर अधिवेशन। नेम द बुक व्हिच वाज पब्लीश्ड बाय गांधीजी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ आफ्रिका देखो जिते बड़े से साउथ आफ्रिकार थे तेल से जो इंग्रज मैंने अत्याचार करुले कला लोक मानते से गोटे कौन करते बुक पब्लीश करते ना हूँ इंडियन ओपिनियन है। हु इज रिगार्डेड गांधीजी आज इज पॉलिटिकल गुरु गांधीजी राजनैतिक गुरु किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट अडल्ट हिटलर वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री हिटलर कौ देश
जर्मानी हिटलर बहुत फेमस अच्छा हु बिल्ट शांति निकेतन तले रवींद्रनाथ टैगोर एथिरे बहुत भाषा रो माने शांति निकेतन हूँ गोटे एमती घर जो थे कि सब कल्चर को सब भाषा को रेस्पेक्ट दि जाए सबुपाई गोटे अलग अलग रूम अच्छे ठीक है आउ गीतांजलि लिखी थी मन रखिए रवींद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन रो बिल्ट मध्ये ही करिसेंती हु रोड द बुक इंडिया होम रूल इंडियन होम रूल को किए लिखिंटी मोहनदास करमचंद गांधी हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज आर्य समाज रो प्रतिष्ठाता किए स्वामी दयानंद सरस्वती हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन यूनिवर्सिटी कट 1924 वाज पास्ट ठीक है 1904 यूनिवर्सिटी कट रे आपणकर वाइस रॉय किए थिले लॉर्ड कर्जन मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच गवर्नर जनरल एबोलिस्ट सती सिस्टम इन इंडिया तले सती प्रथार उच्छेद करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक व्हेयर वाज आजाद हिंद फौज फाउंडेड आजाद हिंद फौज रो गठन होइथिला सिंगापुर रे ठीक है सुभाष बोस करथिले व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले जेतेबेले हमरो इंडिया स्वाधीन हैला क्लीमेंट ऑटली थिले हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कन्फरेन्स विथ महात्मा गांधी ताले सेकेंड राउंड टेबल द्वितीय गोल टेबल बैठक में महात्मा गांधी सहित सरोजिनी नायडू जाइले हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर होती एलान ऑक्टेवियन ह्यूम ओके इन व्हिच बैटल सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव क्यों बैटल रे लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला को परास्त करते ताले बैटल ऑफ पलासी हला पलासी युद्ध रे नेक्स्ट हु लेड बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट बरदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल करते या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाए गणजात राज्य मिश्रण करते आउ भारत बिस्मार्क कहा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करते मदन मोहन मालविया ओके मदन मोहन मालविया नेक्स्ट नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ठीक है ताले इंग्लिश रो इंट्रोडक्शन करते लॉर्ड विलियम बेंटिक सतीदाह प्रथा मध्ये उच्छेद करते हु विजिटेड गांधीजी इन साउथ आफ्रिका जितेबड़े गांधीजी साउथ आफ्रिका रे थिले तांकू विजिट करते राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द इंडियन काउंसिल आक्ट 1999 अल्सो नोन आज देखो जो 1909 गोटे हूँ 1919 गोटे हूँ 1909 है 1919 मर्ले आपणकर आसब कौन मर कौन से मंटेगु चेम्सफोर्ड आ 1909 है मर्ले मिंटो इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ताले इंग्लिश एजुकेशन टा इंट्रोड्यूस होता मैकेल को द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ताले एटा कोई थिले किए राम प्रसाद बिस्मिल मन रखिबे राम प्रसाद बिस्मिल नेक्स्ट नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया भारत रे पोस्टेज स्टाम्प इंट्रोड्यूस किए करते लॉर्ड डेलाउजी द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन व्हिच बुक ताले आनंद मठ रे एटा अछि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगर प्रथम गवर्नर जनरल थिले वारेन हस्टिंग्स हु सेड अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रेड गांधीजी कहते कि ये पृथ्वी रे ओके एत जिन अच्छी जोटा हूँ मनुष्य आवश्यकता पूरण करु मानवर लोभ को पूरण ठीक है एक किए करते महात्मा गांधी कही नेक्स्ट लाहौर व्हिच वाज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल व्हिच सिटी वाज इज रिलीजियस कैपिटल ताले रिलीजियस कैपिटल हूँ अमृतसर हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है भारतीय नेशनल कांग्रेस रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होते आनी बेसांत हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल है पार्टीशन काउंसिल रो चेयरमैन थिले लॉर्ड माउंटबेटन हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसता बहुत थर एग्जाम आसी या लिखी महात्मा गांधी हु इज नोन आज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रांड ओल्ड मैन दादाजी सो दादा भाई नारोजी मन रखिए यहाँ बढ़िया इजिली मन रखीदे दादा ओल्ड मैन नेक्स्ट
द प्रोविन्स ऑफ बंगाल पार्टीशन इंटु टू पार्ट बाय होम ठीक है तेल बंग विभाजन 1905 आईटा लॉर्ड कर्जन को द्वारा जदि आपने प्रथम थर पर क्लास अच्छा मस्ट आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ ओ ट्रिपल सी पीओ पाई समस्त क्लास आम चैनल प्रोवाइड करा जीवो ठीक है। इंडिया विन्स फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश इंडिया विन फ्रीडम किए लिखिंट अबुल कलाम आजाद। आफ्टर द बरदोली सत्याग्रह हु गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल ओके तले वल्लभ भाई पटेल को सरदार किए कही बरदोली सत्याग्रह पर महात्मा गांधी बरदोली सत्याग्रह पर आमर वल्लभ भाई पटेल को सरदार कही कहीं जो बरदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही नेतृत्व में होता। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी तले गदर पार्टी रो फाउंडर थे सोहन सिंह भाकणा। द पुना आक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश तले पुना चुक्ति जो होता से हूँ महात्मा गांधी आउ बी आर अंबेडकर मध्य होता। हु इज नोन आज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाए। हु स्क्रिप्टेड गांधीजी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतो ओके वैष्णव जंतो को स्क्रिप्ट कर दे थिले नरसिंह मेहता मन रखिए। हु स्टार्टेड होम रूल लीग स्टार्ट करते लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन देखो जो जमीदारी प्रथा अच्छी तार इंट्रोडक्शन होता लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हु एस्टाब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन होता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रथम भारतीय जेकी ब्रिटिश पार्लियामेंट को इलेक्ट होते दादा भाई नरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु लेड सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधीजी महात्मा गांधी सहित लवण सत्याग्रह मुख्य भूमिका ग्रहण करुवा व्यक्ति होती सरोजिनी नायडू। मदन मोहन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लैटर बिकेम व्हिच यूनिवर्सिटी आमर जो महमदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रही आपणकर अलीगढ़ रे हला सेडा आपणकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हेछि। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भारतर प्रथम वाइस रॉय किए हेथिले लॉर्ड कैनिंग मन रखिबे लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आउ ये 1556 रे हेथिले। नेक्स्ट एडा होछि लास्ट क्वेश्चन आजिर क्लास रो हु वाज सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस पर पॉलिटिकल गुरु बातांकर राजनैतिक गुरु थिले चित्तरंजन दास ओके चित्तरंजन दास होती राजनैतिक गुरु सुभाष बोस सहित आसो आपंकर गांधीजी राजनैतिक गुरु से होती आपणकर किए गोपाल कृष्ण गोखले सहित आपंकर दुईटा क्वेश्चन आसे खेड़ा आंदोलन गुजरात खेड़ा जिले में जो फसल क्षतिग्रस्त होता से आंदोलन होता से जो गांधीजी अनुगामी होते सरदार वल्लभ भाई पटेल आउ गांधीजी सहयोगी थे इंदुलाल जांगिक मन रखिए। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपंकर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रू जदि आपंक ये क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में सांग सहित सेयार करूँ आउ जदि आपण मैंने प्रथम थर पर आम क्लास को देखुंत मत सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।